हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा नया घर। एक्चुअली सब लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैं अपने घर का ब्लॉग कब डालूंगी, कब मेरे घर का इंटीरियर कंप्लीट होगा। अब घर का इंटीरियर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग होपफुली इस मंथ के एंड में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी घर का कितना काम हो चुका है हम आपको वो दिखाएंगे इस ब्लॉग में। तो पूरा ब्लॉग देखना, मुझे बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये है मेरी मम्मी। नमस्ते, सत श्री अकाल जी सारे। और हम अपने नए घर में आए हैं, बहुत जल्द शिफ्ट होंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। अभी सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हमारा मंदिर। आप जैसे मैं घर के अंदर एंटर पे थोड़ा सा दिखाना। अच्छा, इस घर के एंट्रेंस, हमारे घर का एंट्रेंस ऐसा है। अभी यहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ है सफाई का, बाकी पूरा ये पूरा पैकेज, पूरा पैसेज मेरा है। मेन एंट्रेंस गेट। अब जैसे आप मेरे घर के अंदर एंटर होते हो, आप मेरी मम्मी को पाओगे और मम्मी को मंदिर में पाओगे। बस माय फेवरेट। लाइट कैसे ऑन होगा इसका? ये हमारे इंटीरियर डिजाइनर का के साथ टीम में है, जिनके आज बहुत क्लास लगी है। तो ये हमारे घर का मंदिर है। अभी प्लीज ये सफाई को मत देखना, अभी सफाई नहीं हुई है। बाकी ये देखो, इसके अंदर भी वो लगेगी, घंटी लगेगी, बहुत कुछ लगेगा इसमें, बेल लगने वाली, बहुत सारा सामान लगने वाला है। तो पहला है मंदिर घर में। आप जैसे ही आओगे, मेरे घर में एंटर करोगे, आपको सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करने पड़ेंगे और भगवान का आशीर्वाद लेना होगा। अब हम जाते हैं किचन। मम्मी सब आप दिखाओगे, मुझे कौन दिखाएगा? पकड़ो ना, मुझे दिखाओ ना। ये मेन तो मेरे को किचन में काम करना है। अच्छा, तो मम्मी आप हमारे किचन में आपको दिखाते हैं। आ जाओ किचन में, फूड रेडी है। ये हमारा जहाँ मम्मी खाना बनाएगी। हम लोग खाना, वैसे भी हम लोग एक ही टाइम खाना खाते हैं। मैं ऐसे वन मील इन अ डे करती हूँ, देखते हम क्या क्या खाते हैं। पर सोचा पहली रसोई में, जब भी हमारे घर में पहली रसोई होगी, हमने सोचा है कि उसका ब्लॉग बनाएंगे। वो पहले उससे ही मैं बनाऊंगी। बाई दी में बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी बेटी, आपको कभी मौका लगे तो जरूर खिलाएंगे। मुझे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मम्मी ने एक्चुअली मुझे शादी की क्वालिटीज रखी है, ताकि ना सामने वाला कोई लड़का इम्प्रेस हो जाए। ऐसे ऐसा लड़का मुझे चाहिए नहीं जो मुझे खाना बनवाए। मैं चाहती हूँ ऐसे लड़के शादी को जो मेरे लिए खाना बनाए। अच्छा गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हमारे घर में कड़ा प्रसाद, जब भी हम लोग घर में शिफ्ट होंगे। ओके, तो ये है, सबको पता है क्या है, माइक्रोवेव। अब ये तो नॉर्मल चीजें हैं, नहीं दिखा। दिस इज ओवन। ये हमारा नीचे पूरा बर्तन हाँ लगाते हैं। और यहाँ पे चिमनी, ये पूरा स्टोरेज हमारे घर में बहुत मिलेगा, क्योंकि सामान बहुत है। ये हमारे घर का डबल डोर का फ्रिज, क्योंकि हम हर घर में अपने घर में डबल डोर फ्रिज ही रखते हैं, क्योंकि चाहे हम यूज करना करें। यूज करते हैं, नहीं हम बर्फ नहीं यूज करते, बर्फ वाला साइड बिल्कुल यूज नहीं करते। ओके, आप यहाँ पे आइए। अब यहाँ पे है डिश वॉशर, क्योंकि बर्तन धोना हमको किसी को पसंद नहीं है, तो हम सिर्फ मशीनों में बर्तन धोते हैं। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉशिंग एरिया है, और ये भी पूरा स्टोरेज। और ये बाकी बहुत सामान आना बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक का, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर, क्या क्या। लिविंग रूम, अब दिस इज आवर लिविंग रूम। ये है, सबसे पहले ये दिखाइए, ये है एक डाइनिंग टेबल, मार्बल का हमने बनवाया है। और ये उसके साथ में चेयर है। और ऊपर कहीं दिखाना, कैसी लगी लाइटिंग? क्यूट है ना, मुझे बहुत अलग टाइप की लगी। पहले मैं सोचा था कि कुछ नॉर्मल सा लाइट लगाऊं, फिर मैं सोचा कि कभी ये लाइट हमको ऑन नहीं करना हो, तो हम सिर्फ ये लाइट ऑन करेंगे, कभी ये लाइट ऑन करेंगे, इसलिए मैं दो अलग अलग आए हैं। और यहाँ पे मिरर आने वाला है इस वॉल पे, होपफुली कल तक लग जाएगा। इस साइड दिस इज आवर सेंटर टेबल एंड सोफा। एंड यहाँ पर जब देख सकते हो, मार्बल लगाया है। टीवी कैबिनेट, हमारे तीन टीवी जो हमने अभी लिए हैं तीनों रूम के लिए। हमारे जैसे 3 BHK हाउस, सो वी बॉट 3 TVs, ताकि गेस्ट भी आए तो टीवी देखे अपने रूम में। एक लिविंग रूम के लिए, एक गेस्ट है, एक हमारे मास्टर बेडरूम के लिए,
प्लस आप देखो हमारे जितना भी है, आप फर्श भी देखोगे पूरा घर मार्बल से बना है, हर चीज में मार्बल दिखेगा आपको, चाहे सेंटर टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, फर्श हो, टीवी कैबिनेट हो, सिर्फ मार्बल दिखेगा। इवन मैं आपको अपने घर का गेस्ट बाथरूम दिखाती हूँ, उसमें भी मार्बल लगाया मैं। और गाइस ये है हमारा पैसेज एरिया जहाँ पे बहुत ही प्यारी सी लाइट लगी है, और यहाँ पे पूरी मेरी फोटोज आएंगी, जो जो मैंने गाने किए, जो शूट किए हैं। पूरे गाने तो नहीं लगा सकते, सबकी फोटोज नहीं लगा सकते, बट जो जो मुझे पसंद है मैं उसकी फोटोज लगाऊंगी यहाँ पे। आ जाओ। सो ये है हमारा पंखा, सॉरी। ओके सो ये है वैनिटी, मेकअप और क्या बोलते हैं वॉकिंग क्लोज़ेट, सब कुछ मिला के एक। क्योंकि जो भी मुंबई में रहते हैं ना उन्हें पता है मुंबई में आप बहुत बड़ा घर नहीं ले सकते हो, लाइक 5-6 BHK नहीं ले सकते हो, आपको छोटे छोटे घरों में रहकर अपना क्या करना, सब सामान एडजस्ट करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना जगह नहीं था कि मैं एक अलग वॉकिंग क्लोज़ेट बनाऊँ, एक अलग वैनिटी रूम बनाऊँ, एक अलग अलग से मेकअप का कुछ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने एक ही रूम में यहाँ पर मेरा हमने यहाँ पे लगाया है ये वाला वुडन फैन, दिस इज लाइट, यहाँ पे मेरा लगेगा। ये है, देख सकते हो क्या है, वार्डरोब। यहाँ पे मैं अपनी सारी हील्स, बैग, बाकी वॉकिंग क्लोजेट है, जितना सामान यहाँ पे फिट हो पाएगा उतना सामान हम यहाँ पे फिट करेंगे। और ये बाहर का कंसोल है, जो घर के बाहर कंसोल रखना है हमको। This is it. ये चेयर है जिस पर बैठ के मेरा मेकअप होगा। यहाँ पे पूरे परफ्यूम, मेकअप सब कुछ रखेंगे। स्टोरेज हमने बहुत कोशिश की है, सब जगह हमें स्टोरेज मिले। और ये लाइट का क्लोजअप अच्छी है ना। सो गाइज, हमारे घर का कमरों से बड़ा हमारे घर का वॉशरूम है, वो भी गेस्ट वॉशरूम, क्योंकि हमने दो वॉशरूम को तोड़ के एक बनाया है। बट बहुत अमेजिंग है, कम फॉर द सरप्राइज। लुक एट दिस, ये है जकूजी, और यहाँ पे आप, मेरी मॉम को बहुत पसंद है जकूजी, तो हमने यहाँ पे जकूजी लगाया। प्लस जब भी हमें थक जाएंगे हम मसाज के लिए, वी कैन यूज दिस। एंड दिस इज ऑल्सो फुल मार्बल, एज यू कैन सी, ये भी पूरा मार्बल लगा हुआ है ऊपर नीचे सब जगह, और वो लाइटिंग है। एंड ये तो पता ही क्या है, बट ये बेस्ट है, जितने भी गेस्ट आएंगे वो इसका मजे उठा सकते हैं। नहीं गेस्ट क्यों, हम भी तो उठा सकते हैं, गेस्ट भी उठा सकते हैं, हम तो रोज उठाएंगे, मम्मी तो रोज मम्मी कोई भी होटल जाते हैं, मम्मी सबसे पूछती है होटल जाने से पहले कि वहाँ पे बाथटब है कि नहीं है। अगर जकूजी मिल जाए तो फिर तो मुझे बहुत खुश, बट अगर ये तो बाथटब में खुश रहती तो मैं कहा चलो बाहर से मसाज भी होती है। हाँ जकूजी है ना, बाहर से मसाज भी होती है, इसलिए हमने लिया है। बहुत सारी फैसिलिटीज है। चलो गेस्ट रूम, ये उनके लिए भी वार्डरूम, एक्चुअली सारे वार्डरूम मैं यूज करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास कम से हजारों कपड़े हैं और जगह नहीं रहती, तो ये सब कुछ मैं यूज करने वाली हूँ। जो भी गेस्ट आने वाले हैं वो अपना सामान अपने अपने हिसाब से रखेंगे, उनको जगह नहीं मिलेगी। ओके यहाँ पे टीवी लगेगा, दिस इज टीवी रूम, और अब हम आपको दिखाएंगे कुछ, हमने यहाँ पे घर क्यों लिया है उसका रीजन मम्मी दिखाएंगे। ये देखिए, ये माय घर का व्यू, और व्यू में ये गुरुद्वारा साहब जी है हमारे इधर। दिस इज गुरुद्वारा साहब, आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउन ये, और इसलिए हमने यहाँ पे घर लिया है क्योंकि हमें हमेशा इनकी ब्लेसिंग्स मिलती है। सामने सी है, मंदिर भी है यहाँ पे, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सब कुछ है सामने, मंदिर, गुरुद्वारा, फिर मुंबई में सीन ऐसे मिलता है दूर दूर।
ओके गाइस, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ पे मैं अपनी मॉम के साथ रहने वाली हूँ। मैं वैसे आपको पता है नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट मैं आज तक अपना बेडरूम अपनी मॉम के साथ शेयर करती हूँ। मुझे अकेले नींद नहीं आती है, ठीक है चल रहा है। हाँ तो मुझे अकेले नींद नहीं आती, मैं अभी मॉम के साथ ही रहती हूँ, मॉम के साथ ही सोती हूँ, और मुझे ऐसा कोई सेपरेट बेडरूम कभी भी नहीं चाहिए था, ना कभी चाहिए होगा ज़्यादा मुझे लगता है। सो दिस इज़ हम दोनों का बेडरूम। ये लाइटिंग कैसे चलेगी वहाँ से? ओके, तो ये हमारा है बेडरूम। ये लाइट यहाँ पे लगेगा, मिरर यहाँ पे, प्रॉपर मिरर यहाँ पे, मेकअप वेकअप करने के लिए, ताकि मैं यहीं पे तैयार हो सकूँ। और ये पूरी लाइटिंग लगी है यहाँ पे, अभी हमारी फोटो लगी है मम्मी और मेरी। यहाँ पे लगेगा टीवी, अरे बहुत सामान है, पूरे जितना भी सामान पैक रखा है ये सब कुछ सजाने का सामान है, पूरे आर्टिफैक्ट्स हैं जो भी हमको सजाने हैं। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा पाऊंगी, बट अभी घर का अपडेट दे रही हूँ कि मेरा घर का कितना काम हो चुका है। ये है पूरी वार्डरोब, पूरी एल शेप में बनी हुई वार्डरोब है, बहुत कम जगह है, बहुत कम जगह है, बट कपड़े बहुत ज्यादा है। ये हमारी वार्डरोब ऐसे खुलेगी, अब आ जाओ इसमें वॉशरूम। दिस इज आर कॉमन वॉशरूम। यहाँ पे अभी लाइटिंग चेंज होनी है, अलग अलग लाइटिंग लगी है। दिस इज आर शावर एरिया, और यहाँ पे आप दिखाओ, यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है। हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीद के रख दिया, और देखो नई चीजें कैसी दिखाई दे रही, लग रहा है नया है ये अभी खरीदा है, सब कुछ अभी खरीदा है। इस घर में कोई भी चीज पुरानी नहीं आ रही है, एक भी चीज पुरानी नहीं, हर चीज हमने नई ली है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक नया लिया है, एसी नए लिए हैं, सब कुछ नया है। और जो दूसरा हमारा ओल्ड घर है मुंबई में, उस घर से हम अपने कपड़ों के अलावा हम कुछ भी नहीं ला रहे, इवन बर्तन भी लोग नए लेंगे, क्रॉकरी सारी क्रॉकरी नहीं लेंगे हम, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं जो वहां से इस घर में लेके आएंगे, ओल्ड घर से सब कुछ नया रखा है, क्योंकि कहते हैं नया घर नई बिगनिंग नई लाइफ, तो सब कुछ नया, एवरीथिंग न्यू। सिर्फ हम मम्मी और मुझे छोड़ के, हम पुराने मम्मी पुरानी है मेरी, मम्मी भी नहीं लिया, मम्मी बोलती मम्मी भी नहीं लिया आई। ओके, तो ये हमारा बेडरूम हो गया, ये हमारा लिविंग रूम हो गया। तो बच्चा दिखाने का मंदिर दिखा दिया, ये हमारा लिविंग रूम का वो है, ये अभी यहाँ पे कल सफाई हो जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसी बालकनी, यहाँ पे क्या क्या हम सजाने का रखेंगे। ओके, मैं थक गई बोल बोल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। मुझे बताना मेरा घर का अभी जितना काम हो चुका है वो अपडेट कैसा। ये दिखाया कि दीवारें दिखाई मोल्डिंग, तो गाइस मैं पूरे घर में मोल्डिंग का काम करवाया है, पूरे घर में आपको मोल्डिंग ही मोल्डिंग है, यहाँ भी मोल्डिंग है। ओके गाइस, तो बस ये ब्लॉग इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में आई होप मेरा घर तैयार हो चुका हूँ, अपने घर का प्रॉपर होम टूर दूँ, ये ऐसी क्या होम टूर का अपडेट था। नेक्स्ट ब्लॉग में घर अच्छा और आशीर्वाद के कारण और वाहेगुरु की मेहर से ही ये सब कुछ हुआ है, नहीं तो नहीं संभव ही नहीं हो पाता इतना बड़ा घर। सच में मुंबई में हम ले नहीं पाते, मुंबई में मेरा तीसरा घर है, और बट ये मुझे लगता है कि इसके बाद मुझे लगता है कि मैं और कोई, मैं कहां मैं दिख रही हूँ? Yes, ma'am. मैं दिख रही हूँ? हाँ दिख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब इसके बाद कोई घर मुंबई में लूंगी, क्योंकि मैंने घर बना लिया, इस घर को बनाने में ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल लग गए, और बस ये घर हो गया है ना फाइनल। अब मुझे नहीं लगता मुंबई मुझे और घर लेना है, ये मुंबई मेरा आखिरी घर है, इसके बाद मैं कोई घर लूंगी तो दूसरी सिटी में लूंगी, बट यहाँ पे हो गया है ना। मेरी मम्मी बोलती कसम खा इसके बाद घर नहीं बनाएगी, क्योंकि लोन मुझे भरना पड़ता है और अभी तक लोन भर रहे हैं इस घर का, अभी हुआ नहीं है पूरा। बहुत जल्दी लोन हम भर देंगे, ईएमआई भरते जा रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी सेल भी करी, हमने एक मुंबई में एक घर लिया था जो अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो हमने वो सेल भी कर दिए, ऑलमोस्ट सेल कर चुके हैं। चलो ओके, थैंक यू, आप लोगों का ऐसे प्यार और आशीर्वाद मिलता रहेगा तो हमेशा सक्सेस तो होगी। क्या बोल रहे थे आप? बोली कि अब लग रहा है थोड़ा सा कि हाँ ड्राइंग रूम है, बाकी है तो छोटा सा ही। मुंबई में ना, मुंबई में कितना बड़ा है, ऐसे ही घर मिलते हैं मुंबई में, आपको कोई महल नहीं मिल जाएगा। शाहरुख खान सलमान खान नहीं हो तुम है। जो है तो मैं नेहा मलिक की मम्मी तो हूँ, तो फोटो ये पहनू इसकी बस। ओके गाइस,
बहुत अच्छा लगता है वैसे सच में अपने नए घर में बैठ के ऐसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है. एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं चंडीगढ़ में जहाँ मेरा घर है वो भी गुरुद्वारे के सामने है, गुरुद्वारा साहिब के सामने है. मुंबई में भी घर जो ये नया लिया है ये भी गुरुद्वारा साहिब के सामने है. तो हमेशा वाहेगुरु जी की ब्लेसिंग्स रहेगी और आपका प्यार तो है अभी भी है तभी तो लिया. ओके चलो हम जाते हैं, बाय. अभी हम जा ही रहे हैं वाहेगुरु जी के दर्शन करने. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. Please subscribe to my channel and wait for the home tour video. Bye.